लंदन में 12 साल के एक बच्चे ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिस पर आसानी से यकीन नहीं किया जा सकता। स्कूल की छुट्टियों के दौरान 12 साल के बेन्यामिन अहमद ने वियर्ड वेल्स नाम का पिक्सलेटेड आर्टवर्क बनाया, जिसे बेचकर उन्होंने 2 करोड़ रुपए की कमाई की है। बेन्यामिन ने इन डिजिटल तस्वीरों को NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स को बेचा, जहां उनकी इस रचनात्मकता के लिए उन्हें करीब 2,93,00,000 रुपए का भुगतान किया गया। NFT के माध्यम से किसी कलाकृति को टोकन किया जा सकता है, इससे एक डिजिटल सर्टिफिकेट बन जाता है और फिर कलाकृति को खरीदा और बेचा जा सकता है। वे आमतौर पर खरीदार को वास्तविक कलाकृति या उसका कॉपीराइट नहीं देते हैं। बेन्यामिन अहमद को एथेरियम यानी क्रिप्टो करेंसी के रूप में भुगतान किया गया है। इसका मतलब यह है कि उनकी कलाकृतियों की कीमत बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बेन्यामिन के साथ पढ़ने वालों को शायद अभी तक नहीं पता है कि उनके एक दोस्त ने घर बैठे 2 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। हालांकि बेन्यामिन अपने शौक, पसंद नापसंद से जुड़े कई वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करते रहे हैं। 12 साल के बेन्यामिन को स्विमिंग, बैडमिंटन खेलना और ताइक्वांडो प्रैक्टिस करने में मजा आता है। वह कहते हैं कि दूसरे बच्चों को जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें मेरी सलाह है कि किसी दबाव में आकर और ज़बरदस्ती खुद कोडिंग करने के लिए मजबूर ना करें। हो सकता है कि आप अपने साथ के लोगों के दबाव में हों, वे इसे उसी तरह लें जिस तरह की आपकी क्षमता है। बेन्यामिन के पिता इमरान एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं। उन्होंने ही बेन्यामिन और उनके भाई यूसुफ को 5 और 6 साल की उम्र से ही कोडिंग शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। इमरान कहते हैं कि ये बात सही है कि बच्चों को तकनीकी विशेषज्ञों से बात करके सलाह और मदद मिली, लेकिन फिर भी वे ऐसा कर सके, यह गर्व की बात है। इमरान बताते हैं कि यह काफ़ी हद तक एक मज़ेदार अभ्यास की तरह शुरू हुआ था, लेकिन जल्दी ही यह समझ आ गया कि बच्चे इसे तेज़ी से समझ रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहे हैं। वे वाकई अच्छे थे, इसलिए हम भी थोड़ा और गंभीर होने लगे और फिर एक आज का दिन है जो हम सबके सामने है। लेकिन आप इस चीज़ को रट नहीं सकते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि मैं 3 महीने में कोडिंग सीखने जा रहा हूं। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बच्चों ने हर दिन में 20 या 30 मिनट की कोडिंग एक्सरसाइज की है और छुट्टी वाले दिन भी उन्होंने ये करना जारी रखा है। वियर्ड वेल बेन्यामिन का दूसरा डिजिटल कला संग्रह है। इससे पहले उन्होंने माइनक्राफ्ट से प्रेरित कलाकृति तैयार की थी, हालांकि यह बहुत अच्छी कीमत में नहीं बिक सकी थी। इस बार उन्होंने लोकप्रिय पिक्सल युक्त वेल मीम से प्रेरणा ली। इस बार उन्होंने अपने प्रोग्राम में 3,350 तरह के इमोजी टाइप वेल बना डाले। बेन्यामिन कहते हैं कि उन सभी को हैच करते हुए देखना दिलचस्प था, क्योंकि वे धीरे धीरे मेरी स्क्रीन पर बनती दिख रही थी। बेन्यामिन अभी से अपने तीसरे सुपर हीरो थीम वाले संग्रह पर काम करना शुरू कर चुके हैं। इमरान पूरी तरह आश्वस्त हैं कि उनके बेटे ने कोई कॉपीराइट कानून नहीं तोड़ा है। वे इस काम का ऑडिट करने के साथ ही डिज़ाइनों को ट्रेडमार्क करने के बारे में कानूनी सलाह भी ले रहे हैं। हालांकि कला जगत NFT के मौजूदा चलन पर मिश्रित राय रखता है।